हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंपम ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और आज है गाइस संडे। संडे इज ए हॉलीडे और बहुत ही खास स्पेशल डे है गाइस। आज क्या है खास स्पेशल डे जो कि मैं इतना अच्छे से तैयार हो रही हूँ। आज क्या स्पेशल है तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि आज क्या स्पेशल है। और अभी देखिए, मैंने अपना ये उतार के इसको पहन रही हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है, जो कि मैं तीज में ली थी। और डेली वेयर करने के लिए ना ये बहुत सुंदर चूड़ी है गाइस, जो कि मेरे हाथ में एक एक तो मैं डाल देती हूँ ना, तो हैवी हैवी सा लगता है, तो एक एक मैं वो डाल देती हूँ। और कहीं जाने आने का रहता है तो फिर मैं ये पहनती हूँ या फिर अलग अलग डिज़ाइन का बहुत ढेर सारा है तो वो सभी मैं पहन लेती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताइएगा। आज क्या आज स्पेशल है, क्या आज खास है, किस लिए मैं आज ये इतना सज संवर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ, तो मैं बताऊँगी। बहुत ही खास डे है, बहुत स्पेशल डे है गाइस, जो कि बहुत मायने रखता है आज का दिन। तो अभी मैं घर पर ही हूँ और अभी मैं गई नहीं हूँ, जाऊँगी तो और मौसम दिखाती हूँ गाइस, मौसम कैसा बना हुआ है। बारिश हो रही है झमझमा झमझम, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जाना है, कुछ भी हो जाए। कपड़े सब मैं ऐसे डाल दी हूँ, देखिए बहुत सुंदर मौसम किया हुआ है। और इस सुंदर मौसम में मैं सुंदर सी लग रही हूँ, हरा भरा वादियों में लाल कलर कलर की, और चारों तरफ देख सकते हैं कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि स्कूल ड्रेस सब है। मेरा बाबू का एग्जाम आ रहा है तो ऐसा मौसम किया हुआ था, तो फिर भी मैं सोची कि नहीं धो लेती हूँ, धो के सूखने दे देती हूँ, तो सूखने में भी एक दो दिन लगेगा ही क्योंकि मौसम ही ऐसा बना हुआ है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ जाती हूँ और आज क्या है। बहुत ढेर सारा प्यारा प्यारा सा मैं रील्स भी बनाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत सब, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ढेर सारा भर भर के कमेंट करिएगा और अच्छा कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ एप्पल क्योंकि मैं नहा ली हूँ और बज रहे हैं 12:15, मुझे भूख जैसा लग रहा था, मैं और कुछ नहीं खा सकती थी, तो सोची कहीं जाने से पहले ऐसे पूजा करके ना घर से नहीं निकलते हैं। आह बहुत थक गई हूँ गाइस, तो सोची मैं एक एप्पल ही खा लेती हूँ। और अभी मैं जो जा रही हूँ गाइस, तो जहाँ भी जा रही हूँ उस काम के लिए ये लुक एकदम से परफेक्ट है। तो आप मेरे इस लुक से फिलहाल गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी मैं आप भी सोचते होंगे सिर्फ अपना ही दिखाती है, मैं दिखाऊंगी दूसरा चीज भी, दिखाऊंगी दूसरा चीज भी, कैप्चर करूंगी गाइस। तो जाने में टाइम है, गाड़ी आने में टाइम है, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा देर में लेट जाती हूँ। और बारिश हो रही है ना तो सभी कोई चद्दर ओढ़ ओढ़ के सो रहे हैं, और ऐसे चद्दर से बिखार देते, मैं समेटी फिर से बिखरा दिए। तो अभी जाने में थोड़ा टाइम है, मेरा गाड़ी आ रही है गाड़ी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत ज़्यादा खुशी होता है ना जब छोटी छोटी बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी होता है, कुछ भी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाती हूँ। और जब आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा जब कॉमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे आप लोग प्यार से सपोर्ट देते रहिए पंपअप ब्लॉग्स को, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग के साथ इसी तरह से शेयर करती रहूँगी जैसे मैं करती हूँ। और आगे ऐसे आप लोग का प्यार रहा तो कुछ भी होगा, अच्छी अच्छी बुरी छोटी बड़ी कुछ भी होगा तो मैं आप लोग तक जरूर आऊँगी, फ़ोन के ही माध्यम से, वीडियो के ही माध्यम से, यूट्यूब के ही माध्यम से, लेकिन आप लोग के बीच में थोड़ा सा इतना प्यारा सा जगह जरूर बनाऊँगी, बना ली हूँ और आगे भी बनाऊँगी। तो ऐसे आप लोग प्यार देते रहिए।
और यहाँ पर मैं चल दी, कहाँ जा रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए तो आगे आप सबको पता चल जाएगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ इतना बंद सस सबर के, और आज क्या स्पेशल है जो कि बहुत ही खास। तो गाइज आपने देखा कि आज क्या है स्पेशल, हर्ष लाइट जला दो तो हिताची लाइट जलाओ, आज क्या है स्पेशल और मैं क्यों आई थी उस गेटअप में तो आप लोग को पता चल ही गया होगा गाइज। तो आज हो रहा था अभी सत्यनारायण भगवान जी का पूजा और ये पूजा हो रहा था मेरे मायके में। क्यों हो रहा था नहीं पता, सस्पेंस। तो मायके में और ये पूजा क्यों हो रहा है तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए तो तभी मैं बताऊंगी आप लोगों की ये पूजा क्यों हो रहा है और आज क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है तो मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए ब्लाउज में। आप लोग आज तो क्या है नहीं बताना, सस्पेंस है। आज अभी क्या हुआ थोड़ा देर पहले, पूजा। तो गाइज ये मेरी बड़ी भाभी है जो कि आप लोग बहुत बार मिल चुके हैं इनसे, तो और भी मैं जस्ट थोड़ा नहीं जस्ट नहीं एक आध घंटा हो गया ना मैं मायके आई हुई हूँ और सत्यनारायण भगवान का पूजा था। और ये पूजा क्यों रखा गया है मैं बताऊंगी आप लोग को, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और क्या होगा आज कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशल डे है गाइज, तो मैं बताऊंगी। ऐसे अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग भी देखे होंगे तो आपको शायद पता चल जाए। और उधर मेरे कौन आ रहे हैं, पिताश्री, पिताश्री हाय कर दो एक बार, हाय। ये मेरे पापा हैं तो आप इनसे भी पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, तो जो कि मैं अभी मायके आई हुई हूँ और मैं बताऊंगी आगे और आगे क्या है। और ये कौन है, कौन हो तुम, हिताची, इससे भी आप बहुत बार मिल चुके हैं, जो कि ये है मेरी बेटी। कैसे मिल रहा है ना, मिल रहा है ना सर। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भी बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए सरप्राइज है कुछ, जो कि मैं भी नहीं बताऊँगी, रिवील करूँगी लेकिन थोड़ा देर के बाद। तो चलिए अभी हम लोग का खाना पीना सब बहुत अच्छे से हो गया, पूजा भी बहुत बढ़िया से हो गया, पंडित जी आए थे बहुत ही बढ़िया से पूजा। लास्ट एक्चुअली हुआ क्या गाइस, मैं लास्ट में आई लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने आरती ले लिया, तो वो बहुत मायने रखता है। तो थोड़ा लेट हो गई, तो लेट भी इस वजह से हो गई क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे। तो चलिए कोई नहीं, कहते देर आए दुरुस्त आए,
और वही हुआ हमारे साथ भी। पूजा खत्म नहीं हुआ था, आरती हो रही थी तब मैं आई यहाँ पर, तो आरती सब ले लिए, पूजा पाठ सब बहुत अच्छे से हो गया भगवान जी का। उसके बाद फिर हम लोग का खाना भी हो गया, तो जो अभी अभी खाना था सो गैस था, दही चूड़ा चिन्नी केला मिठाई और सब्जी, जो कि हमारे मिथिलांचल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही हम लोग के इधर मतलब प्रसाद भी बनता है, तो घोल वाला ही प्रसाद बनता है, चूरमा नहीं बनता है गैस, और दही चूड़ा खाने मतलब पूजा के बाद हम लोग कोशिश यही करते हैं कि दही चूड़ा ही खाए, तो बहुत ही अच्छा से हम लोग का खाना पीना भी सब हो गया। तो चलिए अभी और भी बहुत कुछ है आप सबके लिए, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आगे भी दिखाऊंगी, और ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा गाइस, तो इसलिए आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरे ब्लॉग को, और मैं बहुत ढेर सारा शॉर्ट्स भी अभी बनाऊंगी, तो आप सब देखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे। और ये है गाइस मेरी मम्मी का फोटो, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। और नीचे देखिए किचन कितना अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है, तो इसलिए बहुत सारे भी आए हुए हैं गेस्ट सब, तो इस वजह से थोड़ा सा घर अस्त व्यस्त है। जो कि ये है मेरा मायका, और ये मेरे भगवान जी का घर था जो कि मेरा मायके का है, और यहाँ पे पूरा डेकोरेशन स्टार्ट हो गया। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज क्या स्पेशल डे है। तो फाइनली आप सबको पता चल ही गया कि आज मेरी मीताक्षी का क्या है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है। गाना तना तंटा बजाबो ना हैप्पी बर्थडे के। उसको नीचे रखो। देखें इधर झाड़ू मारते। और अभी यहाँ के कटिंग हो गया, तो मैं थोड़ा सा खिला रही हूँ, जो कि है ये मेरी भतीजी गाइस, जो कि आज इसका हैप्पी बर्थडे, तो आप लोग भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो जैसे कि देखा गाइस आप सभी ने, मेरी भतीजी का बर्थडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़िया से हो गया। और यहाँ पर भी मैं छत पे क्या कर रही हूँ, तो एक्चुअली गाइस एक फ़ोन आ गया था, तो मैं उसको रिसीव करने के लिए आ गई थी। और देखिए छत पर भी मेरा एक न्यू घर मेरा मायके में बन रहा है, जो कि नीचे फ्लोर पे टाइल्स लग गया है पूरा, अभी इसमें पुट्टी का काम बाकी है, क्योंकि बहुत ही प्यारा है। एक रूम इधर बना है और एक रूम इधर बनाएगा इस गया। और मैंने आप सबको दिखाया आधा ही वीडियो, जो कि लाइट कट गया ऊपर रूम का, तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो पूरा वीडियो आप सबको दिखाऊंगी। तो गाइस फाइनली मेरा बेटी यानी मेरी भतीजी का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, और मैं खाना पीना खा करके घर आ गई, और रात के भी बज रहे हैं 10, तो मैं 10 बजे बज गया, मैं नहीं रुकी, बहुत सब जिद कर रहे थे लेकिन मुझे आना पड़ा। तो चलिए कोई नहीं, ऐसी प्यार बना रहे हमेशा सभी के साथ, सभी के मन में मान सम्मान बना रहे, और इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो मेरे दोनों बच्चे नहीं आए, नहीं आने दिया गया, मेरे पापा रोक लिए, लेकिन मैं बोली नहीं मुझे जाना है, क्योंकि घर पर भी रहना बहुत ज़रूरी रहता है, और घर पर आप कोई एक मेंबर रहना रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं रुकी, घर आ गई। तो चलिए कोई नहीं, मैं फिर जाऊंगी, तो ऐसे आप लोग प्यार से सपोर्ट बनाते रहिए, और इसी तरह से मैं छोटी छोटी बातें छोटी छोटी अपडेट मैं आप लोग के साथ इसी तरह से शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग के साथ में कोई भी बात कुछ भी मैटर रहता है, मैटर मीन्स कुछ भी मेरे साथ होता है, तो मैं आप लोग तक अपनी बातों को पहुंचाती हूं। तो चलिए ऐसे आप लोग प्यार से सपोर्ट बना करके रखिए, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर मिलती हूं कुछ अच्छा कुछ यूनिक के साथ। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय।